हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल वन स्टार इरफान में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और साइड में नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज की टॉपिक है आईकॉल के फाइव और के सेवन को कंपेयर करना। और हम आज आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे और आपको के फाइव और के सेवन की एंट्री कराते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा बेटर है, आपको कौन सा लेना चाहिए। भाई साहब की कमेंट आई थी, थोड़ा टाइम हो गया उनकी कमेंट आए हुए और क्या करें, मेरी मोबाइल डिस्टर्ब हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे। अब आ गई है तो वीडियो बना दें और ताकि आप लोगों के लिए कौन सा बेटर मोबाइल रहेगा, आईकॉल के फाइव और आईकॉल के सेवन में कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, आप देख सकते हैं, हम कंपेयर करेंगे। और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, लेट्स गो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं आपकी उस वेबसाइट पे जहाँ पे ये कंपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्रोम खोलना है और आप चलिए चलते हैं आपको लेके कल के फाइव और के सेवन को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा गैजेट्स नाउ, वो आपकी वेबसाइट है कंपेयर करने वाली। तो यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं आईकॉल के फाइव और के सेवन के बीच में क्या बात है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और यहाँ पे चलिए ज़्यादा आपकी टाइम ना लेते हुए मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और यहाँ पे आईकॉल के फाइव ऊपर देखिए दूसरे नंबर पर है और आईकॉल के सेवन तीसरे नंबर पर है। तो हम लोगों को ये इसकी बात ही नहीं करनी है अदर डिवाइस की, तो हमें इन दोनों की बात करनी है। तो इन दोनों को हटा दिया मैंने। और अब चलिए बात करते हैं स्टोरेज की। तो आईकॉल के फाइव की स्टोरेज जो है 16 GB है और के सेवन का है यानी कि 8 GB है। यहाँ पे स्टोरेज की भी आईकॉल सेवन की मार खा गई। और कैमरे की बात की जाए तो कैमरा आईकॉल के फाइव का 5 MP है और आईकॉल के सेवन का 5 MP, यानी कि कैमरे की बात किया जाए तो कैमरा सेम है। और बैटरी की बात की जाए तो बैटरी आईकॉल के फाइव का 2500 mAh है और आईकॉल के सेवन का 2200 mAh है। तो यहाँ पर बैटरी भी मार खा गई, बस मेगापिक्सल कैमरे का जो बात था वो सही था लेकिन बैटरी की भी मार खा गई, आपका स्टोरेज की भी मार खा गई। आगे देखते हैं क्या होता है। डिस्प्ले पे चलते हैं। डिस्प्ले में आईकॉल के फाइव का है आपका 5.45 इंच और आईकॉल के सेवन का है 5.5। ये है कि थोड़ा आईकॉल के सेवन में इंच थोड़ा बढ़ा दिया है, डिस्प्ले थोड़ा सा बढ़ाया लेकिन उससे कोई मैटर नहीं है। और रैम की बात की जाए तो आईकॉल के फाइव का जो रैम है 2 GB रैम है, बहुत अच्छी बात है भाई। और आईकॉल के सेवन का रैम की बात किया जाए तो 1 GB रैम है। अब हम आपसे अब यही इतना ही में देख लीजिए कि इसमें कौन सा आपके लिए बेटर है। और आगे चलिए आगे बात करते हैं आईकॉल के फाइव के फ्रंट में 2 MP रैम आईकॉल के फाइव के फ्रंट में 2 MP कैमरा है और आईकॉल के सेवन में भी 2 MP है, यानी कि दोनों का कैमरा सेम है। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है। प्रोसेस बताया जाए तो यहाँ पे ओक्टा कोर 1.3 GHz और इसका दोनों का ओक्टा कोर 1.3 है। और डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले मैंने ऊपर बता भी दिया है। रैम की बात की जाए तो रैम भी मैंने ऊपर आपको बता दिया है। और रियर कैमरा भी मैंने बता दिया है कि रियर कैमरा 5 MP है, यानी कि कैमरे दोनों का सेम है। और बैटरी बैकअप भी है जो 300 K7 का कम है, यानी कि मेरे हिसाब से आईकॉल के फाइव बेटर पड़ेगा आपको। और आगे चलते हैं स्पेशल फीचर्स में देखते हैं। तो फिंगरप्रिंट आपका उतना मायने नहीं रखता है जितना कि रैम रखता है। तो आगे चलते हैं जनरल में। तो जनरल सिस्टम में इसको बात किया जाए तो क्विक चार्ज दोनों में नहीं दिया गया है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो एंड्रॉयड वर्जन 6.0 दोनों में है। और
सिम टूल इंस्टॉल की बात किया जाए तो ड्यूअल सिम प्लस आपका जीएसएम है और जीएसएम है, दोनों में सेम है। और मॉडल की बात किया जाए तो दोनों का मॉडल मैंने बता ही दिया है आपको के 5 और के 7। और लॉन्च डेट बता दें आपको कि के 5 का जो लॉन्च डेट है आपका 20 मई 2019 ऑफिशियल है और ये के 7 का 29 मई 2019 ऑफिशियल है। ठीक, तो यानी कि एक दिन का फ़र्क है, एक दिन पहले के 7 ने लॉन्च किया था और के 7 के 5 ने एक दिन बाद लॉन्च किया। तो ब्रांड की बात किया जाए तो दोनों एक ही ब्रांड के हैं आईकाल का। और नेटवर्क की बात किया जाए तो इसमें दोनों में 4G है और दोनों में 3GB अवेलेबल है और 2GB अवेलेबल है। और फिंगरप्रिंट की बात मैंने की थी तो 7 में आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, जिसको चाहिए तो सेंसर वाला भी ले सकता है। लेकिन भाई मैं कहूँगा कि आप फिंगरप्रिंट पर ना जाके आप रैम पर जाएँ, क्योंकि इसके 7 का जो है रैम बहुत कम है, 1GB रैम आज के महीने में 1GB रैम मायने नहीं रखता। और मल्टीमीडिया में देखा जाए तो ऑडियो जैक जो है दोनों का सेम है 3.5, और लाउड स्पीकर दोनों में दिया गया है। और डिस्प्ले की बात किया जाए तो डिस्प्ले जो आपका है आईकाल के 5 का IPS LCD है और के 7 का TFT है। आईकाल के 5 को 16GB से 64GB तक बढ़ा सकते हैं और आईकाल के 7 को 8GB से 32GB तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि आईकाल के 7 यहाँ पे भी मार खा गया। और कैमरे की मैंने बात ऊपर बता भी दिया है। और दोनों में फ्लैश की बात किया जाए तो LED फ्लैश दोनों में है। और बैटरी की बात किया जाए तो लीलो आयन दोनों में बैटरी है। और कैपेसिटी मैंने बता भी दिया है, के 5 का 2500 mAh है और के 7 का 2200 mAh है। और प्राइस की बात की जाए तो के 5 का आपका प्राइस जो है 3999 है और के 7 का 3699 है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप फिंगरप्रिंट पे ना जाके आप रैम पे जाके मोबाइल लें, क्योंकि रैम रहेगा तो आपकी मोबाइल रहेगी, हैंकिंग नहीं करेगा। और अगर आप फिंगरप्रिंट पे लेने जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट की वजह से मोबाइल लेंगे तो आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, आपकी रैम की वजह से आपकी मोबाइल सही चलेगी, फिंगरप्रिंट के नहीं रहेगी तो भी आपकी मोबाइल सही चलेगी। अगर फिंगरप्रिंट वाली लेते हैं मोबाइल तो आपको डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो कैसी है और आगे वीडियो कैसी चाहिए आपको। मतलब आपको कोई भी अगर मोबाइल से प्रॉब्लम हो किसी तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को बताएं कि कमेंट करके कि कैसा वीडियो बना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।